मैं कुलदीप कुमार सैनी, युवक मंगल दल अध्यक्ष, ग्राम शिवदासपुर तेलीवाला, जनपद हरिद्वार, भाई बहन के पर्व को निभाने वाला, अटूट बंधन बांधने वाला ऐसा पर्व रक्षाबंधन पर्व की आप सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक नारा दिया गया है कि हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को मेरा सभी आप सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाएं, और इस हर्षोल्लास के साथ साथ थोड़ी सावधानी भी रखें। कपड़े का ध्वज हो, खादी का ध्वज हो, प्लास्टिक और कागज़ के ध्वज से बचना है, और जो घर के मुख्य द्वार हैं उन पर ध्वज ना लगाकर, जो घर की छत है वहाँ पर एक पोल लगाकर ध्वज लगाया जाए। इसी के साथ साथ आप सभी से एक मेरा आग्रह भी रहेगा कि 3 दिन बीत जाने के बाद इसी अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उतारें, और उतार कर सम्मान अपने घर में रखें, और इसको कहीं पर भी ये लगातार आपकी छत पर ना लगा रहे, ये खंडित ना हो, इसका सम्मान करें। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप सभी से ऐसी अपील करते हुए, आग्रह करते हुए, मैं साथ ही साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 75 साल आज़ादी के पूरे हो जाने पर इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि आपने एक ऐसे पर्व को बनाने के लिए, घर घर को जोड़ने के लिए एक ऐसा अभियान चलाया है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए मैं आपको अपनी ओर से और अपने सभी ग्रामवासियों की ओर से आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय जो अपना पर्व है स्वतंत्रता दिवस, इसका 75वें वर्ष की आप सभी को 75वें दिवस की स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को मैं जय हिंद और जय उत्तराखंड, जय भीम, जय फूले, जय क्रांति, जय संविधान, जय हिंद।